बस फिर से फ्रीजेट के अंदर मौजूद, अब तो हमारा घर ही बन चुका है ये ब्लॉक के अंदर, आप लोग इसी रोड पर नजर आते हैं। खैर आज हमारे साथ मौजूद है एक E63 और E63। तो जी आज एक और हमें मिल गया माशाल्लाह से। वैसे तो हमारी गाड़ी अंदर से वाइट ही है, बट दिस इज वाइट E63S। दिस बिलोंग्स टू कैन का नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, बट यस ये हमारे भाई की E63 है। ये भी फ्रेश कन्वर्ट हुई है एंड बोथ द कार्स आर स्टॉक। तो मैंने कहा क्यों ना दोनों स्टॉक गाड़ियों का एक रन अप करके देख लें कि हाउ डिफरेंट कन्वर्ट्स कंपेयर टू ईच अदर। तो या विदाउट फर्दर डू, ओह बाय द वे पीछे कॉर्वेट भी खड़ी है, तो या एनीवेज लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो जी वी डूइंग अ रोल विद एन E63 का लॉन्च अपेरेंटली यहां पर एक्टिवेट हो नहीं रहा, आई मीन करना नहीं चाह रहे, तो वी आर जस्ट डूइंग अ रोल विद E63। Thank you so much, ji. It was a pleasure having you on. Thank you, ji. So, ji, anyways, boys, हम आए हुए हैं full day मारने के लिए with this guy and full day because I don't pull any girls. Cut to the session. जी बॉयज अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ी सी नी के अंदर दर्द शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ डेड लिफ्टिंग, तो आई पुशीड आउट ऑन द थर्ड सेट। अब मैं थोड़ा सा पुल अप्स करना चाह रहा हूँ बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी यार डेड लिफ्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आपके लिए पूरी बॉडी उसके अंदर एक्सरसाइज हो रही होती है, और मैंने कल ही लेग डे मारा है तो मेरी लेग्स पहले से थोड़ी सी सोर हैं, तो आई एम जस्ट गोना स्किप माई थर्ड सेट एंड हैड टू पुल अप्स असिस्टेड पुल अप्स, क्योंकि नॉर्मल पुल अप्स ऑब्वियसली मुझसे होते नहीं, सो लेट्स ट्राई असिस्टेड पुल अप्स। नेक्स्ट अप हम करने वाले हैं सिंगल हैंडेड लैट पुल डाउन। आई फील लाइक जो नॉर्मल पुल डाउन होते हैं उससे मुझे अपने लैट्स में फील नहीं होते, आई फील लाइक कि 4 आर्म्स में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो पर्सनली इट्स फॉर मी। शायद आप लोगों को नॉर्मल लैट डाउन बेटर लगे, बट फॉर मी सिंगल हैंडेड पुल डाउन से आई एम एबल टू फील एंड टारगेट माई लैट्स बेटर। तो 3 सेट्स ऑफ सिंगल हैंडेड पुल डाउन। तो जी 2 सेट हो चुके हैं हमारे सिंगल हैंडेड लैट पुल डाउन के, अब आखिरी सेट पे करने वाला हूँ नॉर्मल बार के साथ बिकॉज आई वांट लिफ्ट हैवी, और इस वाले के साथ मैं सिर्फ 20 kg मैक्स पुल कर पा रहा हूँ, तो नाउ मैं ट्राई 50-60 के रेंज में एंड दिस सेट इज़ गोना बी टिल फेलियर। तो बॉयज़ टू एंड बैक वर्कआउट वी आर हिटिंग सीटेड रोज, तो सीटेड रोज के बाद फिर हम करेंगे थोड़े से बाइसेप्स एंड फोरआर्म्स, तो वॉच मी पुल सम गर्ल्स, जस्ट किडिंग, पुल सम वेट्स, आई डोंट पुल गर्ल्स, ऑकवर्ड, ओके बाय। तो जी सस्पेंडेड फुल डे इंडीड, बैक एंड बाइसेप्स हो चुके हैं, नाउ टू एंड इट ऑल ऑफ वी गोना मैक्सिमाइज, वी गोना क्या कहते हैं मैक्सिम फोर आर्म मैक्सिंग इंडीड, और
काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है जब एक फैटी बॉय को अपने हाथ में थोड़ी थोड़ी वेन्स नज़र आती हैं, तो या इट्स काइंड ऑफ एन अचीवमेंट आई वुड से, बट या अभी भी हमें काफ़ी कटिंग करनी है। खैर अभी तुम्हारी कटिंग चलनी नहीं, फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन एट द मोमेंट 95-96 के रेंज में, आई जस्ट लाइक ट्राई टू मेंटेन एंड कीपिंग माई कैलोरीज बिटवीन 1500 to 2000, बट इंशाल्लाह एक महीने के बाद मैं फिर से कट करूँगा। बिकॉज़ द थिंग इज़ कि आई जस्ट कट फॉर अ होल ईयर, तो उसके बाद आई फील लाइक मेरे बॉडी में काफ़ी वीकनेस हो गई थी जिसकी वजह से थोड़े से दिमागी मसले भी हो गए थे, तो आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम कटिंग एट द मोमेंट, बट इंशाल्लाह जून के अंदर एक फिर से हार्डकोर कट होगा जिसके अंदर होपफुली यू विल सी द कट वर्जन ऑफ शेरी बॉय, द स्लिम वर्जन ऑफ शेरी बॉय, द डेविड लेड वर्जन ऑफ शेरी बॉय, हु नोस। अच्छा ज़्यादा हो गया, डेविड लेड तो नहीं, खैर काइंड ऑफ अ सैम सलक बॉडी, आई मीन नॉट रेडी। The only difference, the only similarity between me and Sam Sulak is हम लोग टोपी पहनते हैं, हमारे बाल लंबे हैं और हमें दिमागी मसले हैं। That's a vision guy. Anyways, अब मैं बहुत याद करूँ, that's it for once. Happy birthday, Ivan. Happy 21st. Happy birthday, Ivan. Happy 21st. I hope you have an amazing birthday. Party hard. Oh, shit, bottle ke liye. Happy birthday, Ivan. Happy 21st birthday. Hope you have a great, great day. And I hope you stay away from drugs and boys who like Selena Gomez. So, 21 is honestly a really important...